मेरे मन में नू हो रही है, जब तक मैं बात ना करूंगी, मैं ना उन्हें जानू पिछाणूंगी तो मैं उस घर में जाऊंगी क्यों? करे एडजस्ट क्यों करूंगी मैं अपने आप ने? मैं नू कहना चाहूँ इनके आपस में बातचीत करवा दो, एक दूसरे ने जो पूछना रह रहा होगा वो पूछ लेंगे। एक बार मनीष का नंबर दो। ये करोगे? काम है एक। काम उस तक हो गया, मतलब बताओ क्या काम है? आप मतलब का कौन है जी? वो बालक बात करते होंगे। जब कह दिया कोई नहीं करे बात है, आपका जी ना करता हूँ रिश्ते ने तो बेशक तोड़ लो। मैंने तो तेरा भाई भी समझा लिया और माँ बाबू भी समझा लिए, अगला तेरा ससुराल नाट गया, रिश्ते तोड़न तक की बात आएगी। जिन्होंने बोला कच्ची रिश्तेदारी से और इसी बात चलेगी ना तो हमने ना करना। ईसा के चाल था के मेरा बेबे ऐसी बात करूँ थी, जो रिश्ता टूटेगा। यू के करिए घूंघट है, मारा घर में घूंघट की रिवाज को नहीं। पर बाबू मेरे तो यो ही सिखाया गया है कि सासरे में जाकर ने घूंघट राखिए ना। मन तो कदे पट्टी का घूंघट को नहीं सुहाया, खोल ले। हम तो देखने गए ने, जब बनू देख लिया था मारा तो घर में बहु है जाए सुतरिया होगी सब ते, और तू है घूंघट तान की खड़ी होगी तार ले इसने। फिर बाबू घूंघट तो शर्म का वो है, ये घर में कोई ना देखता, बाहर की दूसरी बात हो है घर में खुला मुरा आ करे। ठीक सर, लो चा पियो। बस कर निशा, इतना के सोचन लग रही है, ठीक दिमाग में नहीं भी आवे। बापू ने हाथ पकड़ा, एक साइड दिमाग में नहीं भी आवे, कभी मैं गलत सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी ना हो ते तेरे मन का बहन। मारे घर के रीति रिवाज थोड़े से अलग हैं। अलग है मतलब? मतलब न्यू से मारे घर जो भी नई चीज आया करे ना उसने सारे बरत्या करे। सारे बरत्या करे मतलब न्यू है, गाड़ी आई है तो उन्हें बाबू भी बरतेगा, बड्डा भी बरतेगा, मैं भी बरतूंगा और छोटा भी बरतेगा, ठीक है। मोटरसाइकिल ली है, फ्रिज लिया है, कोई भी चीज़ ली है उन्हें सारे बरत्या करें, ठीक है। बाकी तो नहीं समझदार से अपना आप समझ लीजिए। तो इसमें अलग रीति रिवाज का के मतलब हो गया, अच्छी बात है ना। ऐसा परिवार तो आज देखने भी ना मिलता कि घर में कोई भी चीज आवे और उसने सब मिल बांट कर नहीं यूज करे। समझ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। समझ जाएगी कोई ना। भाभी जी लग रहा है? हाँ लग रहा है जी। तो अच्छा फिर नू बता मैं किस आग लागू? किस आग लाग गए का के मतलब? ठीक है अच्छा सुतरी तो मतलब समझा कर गंडा से लागा तू सुती एक नंबर की। यो के तरीका होया तेरा बात करण का? तरीका के वो था मतलब जो मुंह माल ना करे तू वो ही बोलन ना करया है तेरी भाभी लागू हूं के हो यो गंडा से। चल छोड़ उसने, मैं बाजार कन जाऊं के मिले आना तो बता दिए ना की मना चाहिए मन तो तू जाया। चल चल दियो तो मैं की करूंगी। अब मत जा फिर कर ले काम अपना। इस पर में चाल के रहा है कोई की में बोले है कोई की में बोले है, ये तो उनकी भी बात समझ में ना आई कह गए तेनू उठे थे समझ जाएगी। हाय माँ क्यों धूलम धूल हो रही है, क्यों माटी माटी हो रही है तू हैं के कमान लाग रही? ले मैं कर दूंगी बेटी सुन। डंगर बेचे
न्यू सोची थी ना पढ़वाऊँ इसमें वो गैर कमाटी और पेड़ पौधे पालक मेथी धनिया घर का हो जाए इतनी चीज बढ़िया होया करे। तो इसने न्यू सोची ये दही दाई के पड़े थे अड़े इन्हें ठाक गेर दुर्तर बाबू ने कहूँगी इसमें पंचर कट्टे गेर देगा माटी के और लगवा दे। माँ मन ने भी करी थी तार बैठते थे बात है कही थी मैंने भी तो फिर ले नू सोची न संगवा दू थोड़ी ले इस रोडे ने बगा दी इसने अड़े माटी गिरवाऊंगी अड़े। और सुने कि चल रही मेरी बात सुन एक काम कहूँ थी मैं अध्ययन बार भीतर हूँ और बहू भी बनाई है कोई मुँह दिखाई गल नाल यार ये कोई अपने सीत पानी लेना जाया करती जो करे वो हली हली के छोड़ है पेंडा तो इसा ध्यान रखिए को बहू के मुँह ना लग गए ठीक से मां तने बेरा हड़े कितनी चुगलखोर लगाई है कोनी दुनी लाए बैठी रहेगी बिना काम की घर पढ़वाओगी काम का हाँ। ना तो मन ना तो आप पूछा दी तेरे ती अरीब काम से तेरा ठीक से मामा समझा दूंगी हाँ। भी देख लूंगी कोई आओगा तो समझा दूंगी मैं सब मुँह दिखाई गल है तू बेबे भीतर और मैं संभालूंगी ठीक से मैं तेरी समझा दी है और गणी कहने की जरूरत नहीं थोड़ी ना गणी समझी है ठीक से ठीक और मैं एक बजे आया हूँ तेरी काकी दौर तुम कर लो काम ठीक से ठीक से झाड़ू ना उठा लेजिए ठीक से हाँ कर दी हेलो हेलो नमस्ते भाभी। नमस्ते निशा ठीक है? हाँ ठीक हूँ भाभी। और क्या कर रही थी? कि मैं ना बस लाग रही थी काम। तू सुना तू ठीक है? हाँ अरे तो सब बढ़िया है। चलो माँ बाबू सब बढ़िया है? कई दिन हो गए थे बात करे मगा बात कर लूँ। अच्छा सही है फोन मिला लिया मेरा भी मन साना लाग रहा था। के बात हो गई माड़ी माड़ी बोली? भाभी के माड़ी माड़ी बोलू मेरे तो कुछ समझ में को नहीं आ रहा आड़ा तो अजीब सा ही लग गया है। क्यों इसी के बात हो गई? बेरा को नहीं बेरा को नहीं मन सा को लग रहा मेरा मन तो जिंगे नहीं भी देखो मन तो ऐसा लग गया बेरा नहीं आड़े के है के ना है समझ में को नहीं आती। अरे बावली यो तो शुरू शुरू में होया करे अपना घर छोड़ कर जावे ना दूसरी जगह नु ही लग गया करे मन ने के लग गया ना था। हां तो भाभी मैं जब तो कहूं थी आके ब्याह तो पहला बात हो जा तो थोड़ा सा आदमी गुड़ मिल जावे इन मन बहुत परेशानी हुई हो लाग रही है यार मैं क्यों कर बताऊं तने। ए बेबे कोशिश तो देख बतेरी करी थी इब ना ईमान ने अगले तुम्हारा भी कसूर कोन्या। बेरा ना भाभी मेरा तो आड़े का माहौल ही कोनी जो चल लाग रहा 24 घंटे नो है रवे है अगर आ चाल उल्टी माँ बाबू दो उल्टी आ जा। ना बावली ऐसा ना सोचा करे। फिर ना सोचू तो भाभी के करूँ तो बता दो ये मेरा मन भी कौन लागता है मैं किसी ने आड़े कुछ कह भी कौन नहीं सकती आड़े ने इतना माहौल भी कौन जानती मैं। मन तो लगा ऐसा लग गएगा तब नो करो ने भाई ने भेज दो मन ले जाएगा कने। ठीक से मैं तेरा भाई तक करूंगी बात आ जाइए घूम जाइए आड़े भी पर नू ना सोचा करे धीरे धीरे मन सब लाग जाए करे। ठीक है मेरा इबे मन कौन लाग रहा बस मेरा इनू हो रही है तू घर आ चल। ठीक से मैं करूंगी तेरे भाई ते बात और तो किम बात कोनी है ना और तो कोई बात कोनी सी। अच्छा ठीक है मैं धर दूं लग गए आगे मैं चाय पानी बना दी एक बार। ठीक से बेबे बढ़िया ढाल सेवा करिए देख सासु ससुरे की ठीक से। ठीक से भाभी ठीक भाभी तो बता दो दी समझ में ना आ रहा मेरा खुद का ही समझ में ना आ रहा कि बाबू तो क्या बताऊं सनातन हो रहा भगवान साढ़े तो निकट जाऊँ मैं क्यों करे नहीं क्यों करे घर तो मैंने ऐसा लाग गया जो तो भूत गया बंगला फंस गई मैं आड़ किसे ताज बोल भी ना सकती हाँ क्या बात है कोई बात को नहीं उसका भी साफ कर दिया था टेंट अलगा और कोई रह रहा हो तो और बता दो पेटी आगे मैंने पहुँचा दिए थे ठीक से। अरे टेंशन क्यों ले रहा जब इतना कर लिया काम और नहीं करांगे के। चल रहे फिर करूँ मैं थोड़ी देर में देख भी लिया अगर किसी तो बात करूँ सुना होगा तो क्या होगा किसी और तो बोलूँ थी
बोल सुना। मन थारे कुछ बात करनी थी मंजीत के बारे में। मैंने उसके हालचाल थोड़े से ठीक ना लग गए। उसका व्यवहार भी थोड़ा सा अजीब सा था, तो उसने थोड़ा समझा दियो। अपने लिमिट में रहो। तने एक बात बताऊं, तृती समझाया था, ठीक है, जो हमारा घर है, परिवार है, थोड़े नए ख्याल का है, अलग रीति रिवाज का है, जो नई चीज आया करे उन्हें सारे बरते अगर, ठीक है। तो नई चीज आ वो उसने बरतो ना, उसमें कौन मना कर रहा है, मन तो कुछ ना कही। पर अपनी भाभी तनु बत्ते में जीगी करके ना बोलना, यो कोई अच्छी बात है की? बात इसी है, मेरी भाभी भी मेरा पूरा ध्यान रखा कर दी, और तू भी मंजीत का ध्यान रख, सुनगी? की मतलब? मतलब हो रहा है, तू ध्यान रख मंजीत का, सुनगी? तो ध्यान रख लाग रही, ध्यान रखने ने मन्ने की कही है? मन थार तो इतनी बात कही है कि उसने समझा दियो, उसकी जो हरकत है ना वे मन्ने ठीक ना लागी। एक तो ऊंची आवाज में बात ना करे, सुनगी? और मेरी भाभी मेरा पूरा ध्यान रखा कर दी, तो तेरा भी फर्ज बना है, मंजीत का भी ध्यान रख, मेरा बड़ा भाई का भी ध्यान रख, और मेरा बाबू का भी ध्यान रख। आगे समझ में? एडवांस ना चल रहे कि मतलब तुम कहना के चाहो? मेरी तो कुछ भी समझ में ना आ रही, साफ साफ बोलो। अरे मैं तो सोचू था पढ़ी लिखी है तोड़ी समझेगी, फिर मन ने के बेरा था तो इतनी ना समझ लकड़ेगी। अच्छा इन बातों ने छोड़ो, नो बताओ, अरे बाबू, मैं एक दिन बाबू ने चाह देने गई थी, बाबू ने भी मेरा हाथ पकड़ा। पितरा के मैं घस गया के फालतू बोलन लाग रही। तुम के बोलन लाग रही हो? तुमने नो भी बेरा है सारा बेरा मने मंजीत का भी ध्यान रख, मेरा बड़ा भाई जब भोज में ताव है उसका भी ध्यान रखिए, और मेरा भी, समझ गई? के ध्यान ध्यान लगा रखा है कि मैं समझाओ भी गाढ़ंते है, मेरी समझ में ना पड़ता कि मैं भी। एक तो यह आवाज नीची रखा कर, समझ गई? जब मैं ब्याह गलिया रहा हूँ इसका मतलब यू नू नहीं है, हक सिर्फ मेरा ही हक है, जितना हक मेरा है उतना ही मंजीत का है, बड़े भाई का है, और बाबू का, समझ गई ना? पर तुमने नू बेरा है, तुम बोलो के हो, छोटा देवर मेरे भाई सा मान सा, और बड़ा देवर मेरे बड़े भाई साहब जी सा, और बाबू, बाबू ने के कहो, बाबू का भी हक है मेरे पे, मेरे बाप के समान है वो, तुमने बोलते आना थोड़ी सी भी शर्म ना आती के? शर्म की तू तो बात कर रहे ना, शुरू में आंधे तेरती या मुंह माथा फूक्या था, मारा घर थोड़े न्यारे ख्याल का है, ठीक है, और सारे बरत्या करे, पूरी बात बताई थी मैंने, कड़िया में था ना लेकड़े, समझ गई? इसका मतलब यो ना था कि इंसान ने भी बरतोगे था मैं? एक तो ना ऊंची आवाज में बात ना करे, पड़ोसिया ने ना सुनावे, समझ गई? बकवास करने लग गई, डर लग गया फेरे। तो बात करनी बेकार है, समझ में ना रहा कौन से रीति रिवाज है ये। गर्मी है माँ। हाँ बेटी। मैंने थारे से बात करनी है। हाँ बोल बेटी। यो थारा बेटा किसी अजीब अजीब सी बात करन लाग रहा है, मेरे तो कुछ भी समझ में ना आ रही। के कहे? क्यों कर बताऊँ मैं तुमने, जो कर सुनी है न्यू मन ना बता दे। मानू कहे है आखिर तू बिना ब्याह मंजीत की बहू बन जा है? हाँ और के कहे? नुआ कब है तेने ध्यान रखना पड़ेगा उसका भी, और मारे घर की तो यह रीति रिवाज है माँ, मेरी तो कुछ भी समझ में ना आई, ये क्या बोलन लाग रहे हैं? बेटी समझ ले, जो कब है ना वो ठीक कैसे, कोई बड़ी बात को नहीं है। देख तेरे का क्या था, वो तीन थे, तीना बेचारा मैं एक थी, और औलाद भी इसकी एक किए है, गर्भ से रहा है। माँ तू भी ये बात बोल रहे है? क्या बात है जो हमारे घर में रीत रिवाज है बेटिया ते? अरे सुने अपना आदमी कब है ना वो बात मान्या करे, उस तो ऊपर का होगा जाना तो घर में रोड़ा माचा करे, जो कब है ना उसकी सुन ले ध्यान ते। हाँ मानू हूँ माँ के अपने घर वाले की सारी बात माननी चाहिए, पर मारे घर क्या नहीं यहाँ सिखिया ना दे रखी के अपने आदमी ना छोड़ गए ना तो दूसरे की लुगाई बन जिए, और जो करता नक्का वो ये काम करिए, या चीज गलत है या मैं को नहीं मान सकती। अच्छा
माननी पड़ेगी, ना मानेगी तो नुकसान खागी। और तू कल की आई होगी मारे घर के रीत रिवाज तू बतलेगी। पहली बात तो मैं बुढ़ी होगी, आज तो इतरे बाबू का सहमी बोलन की मेरी हिम्मत ना हुई। अख मैं सुना पलट का जवाब दू, 10 सालों बड्डी के बहन हो रही है, आज तो वहां मेरे सहमी बोली ना को तेरे जेठ का सहमी बोली ना, तू का लावे थी रात तेरी जबान चालन लगी। पर मां जो चीज गलत है उसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा ना। तो ना बेरा गलत है, क्या गलत है? तो यू तो गलती है ना कि अपना आदमी होते और भी दूसरे आदमी ना अपना आदमी बनावे, या चीज तो सरासर गलत है। अरे या मैं को नहीं मान सकती, तुम ना अच्छी लागो और चे बुरी लागो। चुपचाप रह जा, घना नुकसान खा जाएगी तू इस बात में, रहने दे टक जा। देखिए ना यह एक आकर या मन शिक्षा देगी क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। पर काट दूंगी कच्ची की तरिया जा दोबारा कही के बात कम लग दे। बता रिंगटी आड़ हूँ 70 साल की होगी मैं, आज तो बोलन की हिम्मत ना हुई, शखा होगी मैंने चल लेने आप आओगी खुड्डा में आवतगी टाइम लगेगा। इसलिए तेरे में केटोन लग रहा है। ओहो, इधर पानी भी गिलास में नहीं ले सकती। झूठे पड़े थे, बोतल ले आई वो थोड़ा सा। फिर दो बहु रही, बर्तन भी नहीं मांज सकती। वो बड्डी ने फांसी तोड़ूं के, छोटी के बोल सुनेगा तो तेरे कान के कीड़े जट जाएंगे। ईसा क्या हो गया? आज तो हद कर दी उसने। ईसा क्या कह दिया? बेरा है, उनके आपस में क्या हुई होगी बात। अच्छा माँ तेरा बेटा न्यू को है फलाने की वो बन जा अपने छोटे का नाम लेकर भाई का, बिना ब्याई में उसकी कुकर लगाई बन जा, यो थारा खानदान से के है फलाना दखड़ा, बहुत गनी बात सुना दी उसने मेरे ती ताजी। ये तुम समझाई नहीं मन ने अपने कुनबे के हिसाब से डर जा। कह दी मने मखा इस कुनबे में आज नहीं मेरी हिम्मत ना हुई, तू कुकर बोलन लाग रही है। मैं बुढ़ी होगी, उसने 10 साल हो गए दूसरी नाई ने, वाह बोली ना आज तक इतने सुसरे श्यामी बोली ना जेठ का, और मेरे तो ही कहीं ना तेरी हिम्मत होगी कल आई उड़की ईमान की कि नहीं कदे घर की बार बात चली जा, बाहर चली जा। बेरा ना बैठ बैठ कर कनर तले नाड जुकर घूंड को सोया कर ना न्यू कर के चलता गई। ई बेरा ना भीतर ले में के चल रहा है उसके, कह दे उड़ा ना बता दे अपने घर आई बात है। पागल से के बतावेगी ये बात, बतान की होया कर उसने दिखती कौन है बड्डी भी आड़े न्यू अपने माल में डर गई थी। कही थी मैंने अपने तरीके तो बढ़िया डाल समझा दी, इब तू समझा दी। अच्छा जब मन समझानी पड़गी ने तो मैं तो फिर अपने तरीके समझाऊंगा। समझाते दिए पर घना शो में तो ये देवा और डाल देखा फिर डरने की जरूरत ना है, पूरी जिंदगी मेरी नेकाम हम गई इसी समझा दी मां तो कान भी ना मारे। नो तो मन बेरा है ना जब बात तेरे तो ही कही से टेंशन ना रही तू इस बात की ठीक से तेरे होते मन टेंशन लेने की क्या जरूरत है। टेंशन तो ने दे भी नहीं सकता मैं आज तक दी है ना कती ना दी, तू इतनी सोच करन लाग रहा है मेरी जब बात में पार सी होने लाग रही। टेंशन में तो सो बेलू ना तन्ने भी ना लेनी ठीक से, और करे अपना काम जो तन ना तू करे कच्चे काट ठीक से मत चल दूध पी ओ ठीक से जासू मेरा उठते हुए तन तो खोल दियो। अच्छा इसके बारे में तो फिर सोचना पड़ेगा मने ठीक से एक बार ई तो मजा आया हूं काम ने रहा कि ने पहले मैं यो ही काम करूंगा। ए निशा इसका क्या हो गया? ए निशा न्यू क्यों कर बैठी है तू? हैं क्यों हो गया? बैठी हूँ जी जी क्यों हो गया? मेरा तो कुछ समझ में ना आ रहा, इस घर में चाल की रहा है क्या चाल रहा है? तुम क्यों कर रहे हो इस घर में? मतलब क्या है तेरा मतलब? यो है कि मतलब के
थारे के लिए भी वे चीज हुई है जो घर में मेरे तक आवे है। क्या होया मेरी के लिए? मेरे के लिए तो ऐसा कुछ को नहीं है। जी जी इतनी बोली तो मत बनो, तुम सारी समझो मैं क्या कहना चाहूँ। देख निशा, तुम्हें छोटी बहन मान ले कुछ भी मान ले, पर है ना ये चीज मन्ने भी करी थी, शुरू शुरू में मन्ने भी अजीब लग गई थी, पर तन्ने भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जिस त्रिया में डाल डल गई तू भी डल जा, इसे मैं अपने दोनों की बलाई है। तो इसमें कौन सी बलाई है? और तुम एक लुगाई होकर ये चीज बोलन लाग रही हो मेरे तक, तारे एक मतलब 1% का भी फर्क ना पड़ता कि तारी गिला इतना कुछ गलत होने लग रहा कि तम आवाज उठाओ। उठान की कोशिश करी थी मैंने शुरू शुरू में आवाज, लेकिन मेरी आवाज दबा दी, ना मायका साथ होता ना पियर साथ होता, लड़की का ससुराल सब कुछ हो है। तो इसका मतलब यो तो पति की गैल इज्जत हो है ससुराल में, मान लो हूं पति की गैल इज्जत हो है, पर यो कौन सा सासरा, यो कौन सा के समझे इस चीज ने, दलदल है या एक जिसमें हम फंस गए। मानू तेरी बात है, लेकिन इव जो कुछ है यो ही है, निभा सके तो निभा ले। जी जी मेरे तो यह चीज को नहीं बर्दाश्त हुआ, मैं तो 1% भी अड़ रह कर राजी को नहीं, बस नो सोचो हूँ। धीरे धीरे डाला पड़ जाएगी, तने भी मने भी शुरू शुरू में नहीं लग गया था कि करन लाग रहे कि कुछ करे। सासू ने समझाया, ससुरे की देखी हरकत तो देवर की देखी, सब कुछ देखा मैंने, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तू घेर ले मेरी बात सुनो, ना तुम्हारे घर में कदे ऐसा होया ठीक है, और ना मैं इस घर में कोई ऐसी आदत घेरू जो मेरी गेल गलत हो है, और मैं उस गलत ने सहन कर लू ठीक है। मेरे घर क्या ने मेरे एक शिक्षा दी है, गलत है तो उसके खिलाफ आवाज उठा, अगर गलत नहीं है तो घर के जो घर का मैं है न्यू चाल। देखने शाह मेरी तो आज तक हिम्मत पड़ी को नहीं है, हिम्मत तो मेरी भी को नहीं होने लग रही, लेकिन मैं लाग रही हूँ ना इस चीज में कि हाँ किस तरीके से तक कर बात सुधर जा। चलो अगर तेरे ते सुधरे ना तो तू सुधार के कोशिश कर, मैं भी हो सका मैं भी जितने इवती में ये करती आई हूँ हो सका तेरे गेल गेल मेरी जिंदगी भी सवर जा। सवरेगी जी जी, थारी जिंदगी भी सवरेगी, थमने भी इस नरक में ना रहने दूँ। बस मैंने एक बार इस समस्या का सोल्यूशन मिल जा, फिर जिंदगी मेरी नहीं सबकी है सुधरेगी। कोई ना तू चिंता मत कर, थोड़ी चाय पी ले, देख सुबह का कुछ भी नहीं खा रहा क्या तेने, टेंशन ना ले, मैं तेरी गेल हूँ, जित भी कहेगी नहीं उड़ा खड़ी हूँ तेरी गेल, जो कुछ भी है मैं तेरे साथ में हूँ। मैं सब कशा भी तो आके नू कौन कहूँगी तेने भाई निशा मैं तेरी गेल, लेकिन मैं मेरी बात सुनो, मैं ना कहती कि सब कशा भी तुम मेरा साथ दो, सब कशा भी आकर ना तब मेरे तेनू को अग्निशा मत बोला तू सब कशा भी, पर साथ तो दे सकू। हाँ साथ दे सकूँ, क्यों नहीं दूंगी, मेरी छोटी बहन गेल गलत हो, मैं नहीं चाहती तेरी गेल भी, वो सब हो जो मैं झेल के आई, अगर तू हिम्मत जुटाओगी ना तो मैं तेरे साथ हूँ। बस तो जी जी बस तू साथ दे दियो, बाकी तो मेरा काम है। खा पी अपना बढ़िया तरिया उड़ पैर, जो करेगी नहीं मैं तेरी गेल हूँ, जो कर कहेगी नहीं करना तैयार ठीक है। बाकी खाना खा चाय पी ले, और खाना पीना खा के सुथरी डाल रहा है, मैं तेरे गेल रही तब क्या की चिंता, ठीक है ठीक है चाय पी। निशा तने सारे ढूंढ में देखा है, अड़के इसी तीसी खराब है, के हो रहा है, के दिक्कत हो रही है? नीचे माँ बाबू तो के क्या कही तू है? के क्या कही हूँ, तेरा समझ में कौन आंधी के बात है, अग पिट छत का मानना की कि मैं मेरे को नहीं आओ समझ में, जो तुम समझाना चाहो ना वह मैं 1% भी ना समझू। बात सुन ले, समझनी पड़ेगी आज नहीं तो कल, चेक काट का दाम दे तो भी ना समझू ठीक है। अरे यह बात अगर तुम मेरे से पहले बता देते ना ब्याह से पहला तो मैं यार इस घर में ना आऊंगी। हाँ बड़े मौके दिए तूने बताने के, क्यों मना तो फोन भी करवाया था तेरे बाप दो रहे, अगर नंबर दे दे, पर तने करी बात है, तेरा बाप नाट गया था, अगर रिश्ता तोड़े अगर तोड़ना ना तो तोड़ दो। तो गणी उच्ची ना बोल लिया कर, यार सारा पड़ोसी सुनन लाग रहे हैं। चाहे कोई सुनता हो मेरा उस चीज का कोई फर्क ना पड़ता ठीक है, और जो इतनी शर्म आवे है ना तो यह शर्म अपने माँ बाबू न जाकर ना बता ठीक है, मेरे तो मत कहे।
एक तो मैं बताऊं तेरे थोड़ी ऊंची ना बोल ले, पड़ोस का काम है यार, पिट छत जाएगी, ठीक है, बूंदी लगेगी। डराना चाहवे के मने, मैं ना डरूं। एक बात नू बता दे, सारे करन लाग रहे, सारे तने कहन लाग रहे, दिक्कत की है तेरे? सारे करते होंगे, सारे तो गोबर खाओगे, मैं भी खाऊंगे उनके गेला। अरे बट क्या कौन जानता के? मने कह दी ना जब, मैं ना मानू तो ना मानू। मानना तो की तू। इसकी बात ना तो छोड़, छोरी के बारे में भी सोच ले, तीज तो आ रहा होगा, सीधा साधा दिया और कंबे बेल लिया देख, ठीक। ओ फोन भी आ गया फिर देखा। अनिशा राम राम बेटी। बाबू मना हड़े तो ले जा। ले जा क्या हो गया ईशा? ले जा तू बना रहे थे। यही के बात हुई बेटी, ले जाओ के बात होगी। बाबू मैंने कह दी ना, अगर एक मिनट भी मैं इस घर में रही तो मेरी मरी का मुंह देखेगा तू। ना बेटी इसी में ना बोल रहे। ये बात ही बता मुझे। बाबू मैंने बता दो दी, बस मनाड़े ना रहना तो क्यों करे भी ले जाए मने यारे ते। कितने कर लिए जैसी बुद्धि, नहीं नहीं शादी में कई बार हम हो जाएंगे नहीं। तो बाबू नया नया ब्याह होया तो इसका क्या मतलब है? जब मैंने लुके दी मैं यारे खुश कोनी तो तुम मेरी बात पे जीना ना है। दुआ एक अलग बात है, खुश कर देखते ना बड़ा देखते होना पड़ा है बेटे ये लेना। बाबू मेरी बात ध्यान से सुन ले, अगर जितने 1% भी नू लग गए है ना कि तू अपनी बेटी तो प्यार करे है और तने अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो तू यारे ते ले जा। या कोई बात है ये बता, देखिए रे ये कैसी बेबी देखिए को भाई निशा ना भाई मैं निकल गया कोटे का ये निशा भाई क्या बात लड़ो क्या बात होगी भाई मैंने इस घर में और ना रहना वाले ले बात भी देख मैं इतनी बताऊं कि यार किसी तो फोन करके सीधे मुंह बात करने की कोई जरूरत को नहीं और तुम नू भी मत बताइयो कि मन तार दोर फोन करा तुम चाहे कोई भी बहाना लगाइयो पर लाड़े तो ले जाओ। ले बतरे भाभी तो बात कर लग रही है बात कोई। हेलो निशा। भाभी की बात होगी? भाभी कुछ भी ठीक को नहीं। तो चिंता ना करे, हम तेरी गलिया है, पता क्या करना है? भाभी देख यार किसी ते भी नू शो मत होन दियो के मन तार दर फोन करके मन तार ते के कही है बस तुम बाने सर किसे भी बाने क्यों करे भी घरा फोन करके ना ले तू टेंशन ना ले, मैं बाबू तार तेरा भाई ता फोन करवाऊंगी तने ले आओगे अड़े ठीक से। भाभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है तू इतना अपना ध्यान रख, मैं भेजू इन्हें। भाई मेरे तो बस की बात नहीं रही, मन तो कदा अपनी छोरी रोंती नहीं देखी आड़े, तन बेरा है चुकर पाली है और उड़ी वानू रोंती कहती बाबू मन ले जाड़े ते ठीक। भाई मेरे तकती को ध्यान जी लेकर लिया अमित को राख तू है। बाबू मनीषा लग गए है, निशा कोई बड़ी मुसीबत में फंस रही है और जो बताना चाहे पर बता नहीं रही थी। तेरा गत बेटी बताए दे वा कोई कोई तो बात इसी से है। कुछ चीज ऐसी रहे जो फोन पर ना बताई जांदी। की बात होगी? की मैं नामा बात के होती फोन आ छोरी का। मेरी बात सुन, चिंता ना करे, जे निशा की में हो गया ना धरती अदर ठा दूंगा। अरे पाछे धरती ठाई जाइए इधर तू हेलो।
हेलो हेलो कौन सी बोल रहा है बेटी? राम राम बोलती, मोनिका बोल रही हूँ। ओहो मोनिका, राम राम बेटी, ठीक से? मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ भी ठीक सा बेटी कती। और घर में सब ठीक है? हाँ सारे राजी खुशी, अपनी सुनाओ। हम तो ठीक है मोनी, एक जरूरी बात कर रही थी निशा, तो बात करवा देती हूँ। अरे बेटी इसी क्या जरूरी बात थी, मैंने बता दे। मौसी मेरी सासू बड़ी बीमार हो रही है। अच्छा है। अच्छा ये हाँ। तो ठीक से बेटी, ला मैं बुलाऊं सु एक बार। निशा ए ए निशा आई है बेटी थारे घर तक फोन से। हमा ले। हेलो नमस्ते भाभी। नमस्ते निशा, ठीक है? हाँ भाभी ठीक हूँ। निशा मैंने को दिमाग घनी बीमार हो रही है, अरे एक सांस ले है दूसरे का कोई भरोसा नहीं। भाभी माँ ठीक तो है, घनी तबीयत खराब हो रही है की? हाँ बहुत घनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। अनु क्या है, एक बार नहीं सब सेटना चाहूंगे मैं तो, जी दो तीन घंटे खतर आ जा, पर घर ना आ जा। भाभी मैं एक बार घर क्या तो बात कर लूँ? ए तू बात कर ले, नहीं मेरी बात करवा दे मौसी पे। लेमन नहीं दे बेट। हेलो हेलो मौसी। हाँ बेटी। मेरी सासू की घनी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है और जिसका कोई भरोसा कौन है, और देख इनको टाइम से मिल जाएगी तो बढ़िया है। कोई बात ना बेटी, खंदा दूंगी मैं। और न्यू करिए क्या करेगा वो अमिता इनका यार मनीष आ जाएगा। मनीष ने कित खंदा होगी, मनीष मन दिल्ली खंदा रखा है, कोई काम है। अच्छा हाँ ए मोनिका। हाँ मौसी। तेरे मौसा ने बताई बेटी मनीष तैयार सह कौन है, उसने अमित ने खंदा दे ले जाएगा इनका ने। ठीक है मौसी, मैं खंदा हूँ ने और भेज दी आप। ठीक से बेटी। ठीक सुने, एक शर्त पर खंदा हूँ, अपने घर की बात इतना भी जिक्र नहीं कर देगी, बीमार से जहाँ तक खंदान लाग रही हूँ बेरा ले और उल्टी पाए आ जाइए। ठीक से? ठीक से माँ। दोबारा कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक से जा, बदलने हो तो लतड़े पतड़े बदल लिया, ना चली जाइए बेरा, तो लेन जाना है। मैंने तो डर लग गया सर। चंगे नहीं तन सही समझा दी, जकरा को निकरा बोल, घबरा ना के तू सारी बेरा ना उनू हो जा सकदे के मैं गा बैठ जा उड़ के। किम में दिक्कत ना मान्या कर तू। ठीक से चली जाएगी, आ जाएगा इसका भाई, बीमारी तो जाना पड़ेगा। ठीक से तुम को साइड दे तैयार कर दी, तुम का भाई आ जाएगा। ठीक से दे दूं उसका फोन भी मेरे ही दौरा से। एक वो फोन दिए तेरा देखिए, 6 बज गए और 2-3 घंटे के नाम की लेके गया था और निशा इतनी भी ना आली है। इतना नहीं आली है, है? कदे मैं तो अब बात आया हूँ, कदे के मुबार तना हो थोड़ी मुबार फोन है, कदे सारी फोन पट्टी पड़ जी। हेलो हेलो निशा। हाँ माँ। बेटी 6 बज गए क्या बात है, इतनी ना आई तू? माँ इतो टाइम में देखे जाओ, मैं उल्टी ना आऊं। क्या बोलने लग रही है तू, उल्टी ना आवे? सही बोलू हूँ, इब तो मैं उस घर का ना मुंह करके भी ना देखूं। आई न्यू क्या कर लग रही, मन तत्ते क्या कही थी? तन्ने जो कही थी मावा तन्ने कह ली, पर मैंने भी तेरे एक बात कही थी, जो थम मनवाना चाहो ना वा मैं ना मानू। आए पूरा जमते क्रिकेट की तरिया रंग बदल गई तू ताके मैं क्यों, और सारे बीच में रह के ना अपनी दे ही तुड़वाऊ। इसी तो के मैं बात भी ना थी, जो तू बात का बतंगड़ बना रही से। माता ने ना लगती होगी या बात, तू अकर ले बात कहो है। हेलो ये बात है निशा। बाबू मैं ना आऊं उस घर में, एक तभी लाख के कहो है मैं ना आऊं, ब्याह की ले रे सा कोडी कोडी आओगी तू, तो सारे कुंबे रिपोर्ट दे दूंगा पुलिस में, जेल में छड़ेगा सारा कुंबा। ले नहीं संबंध फोन। हेलो 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 आगे बोल मौसा। हां अरे के फंड कर रहे हो, के फंड कर रहे हो यार, आंत नट लाग रही यार। ठीक नट रहे से, और मेरी बात सुने। हाँ के पुलिस की धमकी देवा है, जड़ तेरी साल तू हो ब्याह की ले रहे। हाँ मेरे सुन ले। हाँ जड़ ते 3 साल दी हो ने, और ते चला लिए आगा आगा तू, और पाछा मैं के करेगा, मैं जो मन करना है ना मैं आपे कर लूंगा, तू जड़ ते जा सके ने, और ते जा। तू मारा कुछ भी ना कर सकता,
इतना डर था मैं इसी धमकिया थे। अरे मेरी बात सुने, हाँ ब्याह रखी थी हमने, बेचना रखी थी, समझ गया। अरे एक तार लाख था मारी छोरी, ओड़े पैर भी ना टेक है, के सोचे है फतू सा उल्टी पड़ गई बात। या तो कौन थी ना, मैं के बात सह आई तो ही ना आई है 6 बजे लिए। सारी बात बता दी बहू ने, अब क्या होगा? यो पुलिस पुलिस का के जकरा था आन तो नाटे थी, और वहां के बोले तेरी तो मना सुने ना ली वो नु बोले बला तारा कौन पे जेल में छड़ा देंगे साबित कौन पे ने, अब क्या होगा? बाबू मैं तो पहले कहूं थी कि टेम के हिसाब से सब कुछ बदले है। जब उस दिन बात हुआ थी और सब कुछ बेरा लग जाता तो आज के दिन देखना पड़े। उनने छोटी सी बात पे नु कह दी थी रिश्ता तोड़ेंगे, उनका छोरा में खोट था, आज देख लिया ने। बेटी तू तो ठीक कह थी, मैंने तो फोन पे कह दी जो मान्या को ना, वो मारी अक्ल पे पत्थर पड़ रहा था। भाभी उनके छोरे छोरे में खोट कोनी, वो तो परिवार ऐसा है, मैं तो नहीं समझते कोनी। अब तारी बाप भी है, माँ है, के है, के ना, बस उन ना अपना काम काटने ते मतलब अख, हाँ बस मारा काम चल रहा है, इनके ऊपर के भीतर के ना बीतती। बाबू तो कोई मतलब देख लिया ना, आज नू क्या करे, बातचीत करना कोई गुनाह ना होया करे, ठीक आजकल सब करे बातचीत, और यह चीज पहले लिकड़ का जाया करे। बेटी हमने सुनी था तू इसे इसे गिरे और परिवार भी और है, पर हमने नहीं ना गिरा था, हमारा ही पाप पड़ जाएगा इसे निकम्मे पे। निशा चिंता ना करे, 10 दिन कौन लगाऊं, 10 दिन के भीतर वे जेल के भीतर पैर मारेंगे। सही कह निशा, तेरा भाई कति घिसड़वा देगा, इसे सजा मिलनी जरूरी होया करे, ना तो और छोरिया के लेके हुएगा फिर। मना तो बता दी मैं ना जाऊं उस नरक में, एक तलाक भी ना जाऊं। तो ना बेबे बेचे को नहीं, उनका कोई भी ना जा, कोनी वो धोखे तक चला गया था बेशक। जाने की जरूरत ना से, हमारी सभी ठीक ठाक मारे घर आ गई ना, बस यो ही बला। माँ अगले ने धमकी दी है और किसी का परिवार बिगाड़ेंगे। एक बात बता माँ, जो उन्हें सजा नहीं मिलेगी कल इस जिसी और भी निशा से उनका क्या होगा? ठीक है बस हमारी छोरी मारे घर आ गई ना, मन और कोई कुछ ना कहना किसी से। फोन कर दिया टेम पे पहुंचा गया न्यू को भाई, न्यू बाबू दोरा फोन कर दे सारा परमात्मा का करे और खेल से कम से कम टाइम पे सदबुद्धि आगी बाबू। ओए तू निशा का अंदर नवाज की छोड़ मसो, ठीक से कोई टेंशन कोई ना, तुम रहे बेटे ठीक से, तू रही गांव का सरपंच चले जाइए, हमें बात करा दिए। ठीक से भाई, तू ही भाई अपने आपने कमा करिया कर अपने भाई की मदद, आंडी जा साबे तने कट्टे बणांता मेरे यार, बालक रह रहा तू। छोड़ बाबू ने बतन कर लेगा, ठीक से कर लो अपना बड़ा काम, छोड़ो बड़ा नहीं।